ह्युंडई ने 2024 की शुरुआत करते ही एक नया धमाका कर दिया है। इस ह्युंडई क्रेटा को एक मेजर फेसलिफ्ट देके आज मैं आया हूँ सफाया ह्युंडई मायापुरी में इस गाड़ी के न्यू प्राइसिंग अपडेट्स एंड चेंजेस के बारे में बात करने। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। शुरू करने से पहले अगर मैं इस गाड़ी के मॉडल और प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ तो मेरे सामने खड़ा है आज क्रेटा का SX वेरिएंट एंड इसका प्राइस कहीं नहीं पड़ता 11 लाख रुपए एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। इफ आई टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, जो आपको गाड़ी की चाबी है वो पूरी कीलेस एंट्री वाली ही मिलेगी, बट आपको उसके अंदर होल्ड का बटन एक एक्सटीरियर डाल दिया है ताकि आप गाड़ी आराम से बाहर से खड़े होकर स्टार्ट कर सके। इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार, आपको एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे ग्रिल दे दी गई है इन दिस वेरी ग्रेट ग्रेफाइट ग्रे कलर एंड जो उसकी ओपनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी गई है। आपको फ्रंट की तरफ यहाँ पे एक कैमरा मिल जाएगा अलॉन्ग विद द एडास इन द बिलो एंड उसकी फ्रंट वाली हेडलाइट्स है वो कनेक्टिंग वाली कर दी गई है लाइक द ह्युंडई वरना। अगर इस गाड़ी की मैं हेडलाइट्स की बात कर लेता हूँ तो आपको लो बीम और हाई बीम में वाइट LED इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट एंड जिसका 360 डिग्री का कैमरा है वो ऊपर वहाँ पर लोकेट कर दिया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार एंड स्पेसिफिकली अबाउट द टायर्स, सो द टायर्स आर द 17 इंचेस एंड द टायर साइज इज 215/60R17। फ्रंट एंड रियर में आपको इस गाड़ी के डिस्क ब्रेक मिल जाती है। इफ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लीयरेंस, आपको इस गाड़ी के अंदर 200 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस दे दी गई है विच इज 10 mm मोर देन द प्रीवियस वर्जन। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 2610 mm का है एंड जिस गाड़ी की लेंथ है वो 4330 mm की कर दी गई है। आपको यहाँ पे भी कैमरा देखने को जरूर मिल जाएगा जिसके 2 हैंडल बार वो क्रोम में फिनिश कर दिए गए हैं एंड इफ टॉक अबाउट द रूफ रेल्स, इस गाड़ी की जो रूफ रेल्स है वो बहुत ही प्यार से इस सिल्वर कलर में कर दी गई है। साइड से कितना चेंजेस नहीं करे गए हैं, आप साइड से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वाली गाड़ी क्रेटा ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस साइड से नहीं आया है। इफ टॉक अबाउट द रियर ऑफ दिस कार, रियर में भी आपको बहुत ही प्यारी कनेक्टिंग टेल लाइट दे दी गई है, इट इज़ ऑल LED यूनिट बट जो उसका रिवर्स लैम्प है वो आपको हेलोजन वाला ही मिलेगा एंड वो यहाँ नीचे की तरफ लोकेटेड है। क्रेटा की बैजिंग आपको यहाँ पे दे दी गई है एंड जिसका मिरर है उसके अंदर रियर डिफॉगर एंड वाइपर मिल जाता है ऑफकोर्स अलॉन्ग विद द स्पॉइलर टू एंड जिसकी ब्रेक लाइट है वो आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी दे दी गई है। इफ टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, सो जैसी गाड़ी का मैं बूट खोलता हूँ तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है एंड द स्पेस इज 433 liters। जो ये दो सीट है 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है और आपको बोस का यहाँ पे एक वूफर भी दे दिया गया है ताकि आपको एक अच्छा सा साउंड आ सके गाड़ी के अंदर से म्यूजिक सुनते हुए एंड आपको यहाँ पे एक लाइट भी देखने को जरूर मिल जाएगी। अब जैसे इस गाड़ी के मैं रियर की ओर चलता हूँ एंड टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, सो जैसे ही ये वाला मैं दरवाजा खोल लेता हूँ द रियर डोर ओपन डिसेंटली वाइड इनफ एंड जिसके अंदर कलर कॉन्ट्रास्ट करा गया है सिल्क ग्रे और ये वाइट का, ये कहीं ना कहीं ह्युंडई की आयोनिक 5 से मिलता जुलता है एंड आपको एक 70 लाख रुपये की गाड़ी की फीलिंग देने की जरूर कोशिश करिए इस नई क्रेटा के थ्रू। आपको यहाँ पे ब्रश सिल्वर फिनिशिंग वाले डोर हैंडल बार्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द बोस बैजिंग ऑन द म्यूजिक सिस्टम टू एंड इफ आई टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा एंड कार इज प्लेइंग अ वेरी सूदिंग सॉन्ग एट द सेम टाइम विच आई रियली रियली लव। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दे दिए गए हैं, द हम्प ऑफ दिस कार इज वेरी वेरी स्मॉल एंड आपको यहाँ पे 2 USB C-type socket भी मिल जाते हैं एंड आप अपना फ़ोन यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। एंड जैसी इस गाड़ी के अंदर मैं बैग जाता हूँ एंड क्लोज द डोर ऑफ दिस कार, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी गई है, दैट्स व्हाट आई फील, आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम इन दिस कार एंड जिसका अंडर टायर सपोर्ट है वो भी बहुत डिसेंट सा है बट यार सिंस आई एम 6 feet tall person सो थोड़ा सा मेरा हेड ऊपर तरफ लग तो नहीं रहा है बट ऐसा मुझे थोड़ा सा यह लगता हुआ जरूर लग सकता है। इफ टॉक अबाउट दिस सीट बेल्ट, आपको यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट दे दी गई है, आपको यहाँ पे वाइट लाइट भी मिल जाएगी एंड पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलती थी फॉर एयर प्यूरीफायर बट अब वो इसके अंदर बिल्ट इन नहीं करती है, देयर इज नो स्क्रीन एज सच बट इसके अंदर आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है। इफ आई टॉक ओवरऑल अबाउट दिस कार नाउ, सो रियर से बैठ के आई एम नॉट अबाउट फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक सेटिंग इनसाइड दिस कार एंड आपको यहाँ पे एक सनरूफ मिल जाती है एंड जैसी सनरूफ खुल जाती है यू
ample amount of light and air in this car itself. So zara chaliye chalte hain us gaadi ke aage ki aur and dekhte hain ki wahan pe Hyundai ne kya nicke knacks kare is Creta ke liye. Ab main is Creta ke interior ki aur baat kar leta hu and jaise hi main front wala darwaza khol deta hu the front door also opens very very wide enough. If we talk about this door panel over here, sabko aage ki taraf bhi yahan pe bada pyar se leather texture dekhne ko zarur milega and jo ye panel hai it has a very silky texture to it which I really love. Aap yahan pe thoda bahut samaan zarur rakh sakte hain. Bose ki badging bhi aapko yahan pe dekhne ko zarur मिल जाएगी एंड जो इसकी आगे की सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को जरूर मिलती हुई दिखेंगी एंड ये बड़े आराम से ऐसे पीछे एंड नीचे एंड ऊपर भी हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम. आपको यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की स्टिचिंग देखने को जरूर मिल जाएगी टू गिव दिस कार अ वेरी स्पोर्टी टेक्सचर. एट द सेम टाइम योर ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर एंड अपनी गाड़ी का फ्रंट वाला पार्किंग सेंसर आप इससे स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं. गाड़ी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिए गए एंड इट हैज़ अ वेरी गुड ब्रोंज टेक्सचर ओवर हियर व्हिच आई रियली लव. जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर ऑफ दिस कार टू बी ऑनेस्ट जो उसका अंडर टायर सपोर्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आप इसको अपने हिसाब से ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट. जैसी गाड़ी अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ मुझे एक चिड़िया के चहकने की बड़ी प्यारी सी आवाज़ मिल जाती है एंड जिसके डायल उसमें भी आपको फुल स्वाइप देखने को जरूर मिल जाएगा एंड दिस कार डस कम विद द ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग टू. जो जैसे ही वाला मैं इंडिकेटर ऑन करूँगा सो जो इसका ये वाला कैमरा है एंड वो वाला कैमरा है वो भी ओपन हो जाएगा. जो इसकी स्क्रीन है वो आपको फ्लोटिंग वाली दे दी गई है सो योर MID एंड योर इंफोटेनमेंट सिस्टम आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट. इफ टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ना सो इसके अंदर दोनों टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है एंड यू कैन इवन सी द पेडल शिफ्टर ओवर हियर टू एंड इनका साइज भी बहुत अच्छा खासा है. योर बटन्स फॉर क्रूज कंट्रोल एंड MID इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर एंड इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी TPMS कंपास आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे विदाउट एनी हैसल. एंड ये गाड़ी जो गाना गाती है ना आपकी एंट्रेंस के बाद वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यारा लगता हुआ जरूर दिख रहा है. इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको फ्लैट बॉटम वाला फीचर भी मिल जाएगा विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट. इफ टॉक अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम सो इसका टच जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है. दिस कार डस कम विद द बिल्ड इन नेविगेशन सो आप ऑफलाइन नेविगेशन भी इस गाड़ी के अंदर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं. आपको यहाँ पे भी ब्रोंज टेक्सचर देखना जरूर मिल जाएगा एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे एमएल लाइटिंग मिल जाएगी एंड जो इसका ये वाला पूरा पैनल है डैशबोर्ड का इट अगेन हैज़ अ वेरी कूल सॉफ्ट टच ओवर हेयर एंड आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट पैड मिल जाता है कि आप थोड़ा बहुत सामान अपना यहाँ पे आसानी से रख सके. जो इसके वेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से इस गाड़ी के अंदर इंटीग्रेट करे गए विच आई रियली लव. इफ टॉक अबाउट दिस सेंटर पैनल ओवर हेयर सो आपको यहाँ पे बहुत सारे बटन्स देखने को जरूर मिलेंगे एंड इट इज़ अ वेरी वेरी कूल एंड प्रीमियम टच एट द सेम टाइम बिकॉज जितने भी आप कांच के कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादातर आपको टचस्क्रीन देने में फोकस ज़्यादा कर रहे हैं एंड जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं आप गलती से कुछ भी बटन दबा सकते हैं एंड इट कैन क्रिएट अ लिटिल बिट chaos at the same time while you are driving the car. So buttons are always preferable as per my opinion rather than the touch thing over here. So aapko if I talk about this panel over here now so aapko yahan pe USB-C type and aapko 12 volt ka socket and USB-A type mil jata hai and aapko yahan pe wireless charging pad bhi de diya gaya hai. You can switch to different drive mode and traction mode over here too. So jaise hi main drive mode pe switch karta hu so let's say if I go to eco or maybe the traction mode so mujhe drive mode mein yahan pe sports normal aur eco मिल जाता है एंड इफ टॉक अबाउट द ट्रैक्शन कंट्रोल सो यहाँ पे हमें स्नो मड और सैंड वाला मोड भी मिल जाता है एंड जैसे ही गाड़ी चलाते हो अगर मैं स्पोर्ट्स मोड पे जाऊँगा या फिर नॉर्मल मोड पे भी जाऊँगा सो जो इसके जो ये वाले डायल हैं ये बड़े ही प्यारे से चेंज हो जाते हैं एंड यू नो एक एग्रेसिव लुक आपको मिलती हुई यहाँ पे जरूर दिख जाएगी. अगर इस गाड़ी की मैं इस वाले पैनल की अब बात कर लेता हूँ सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है. ऑटो होल्ड आपको क्रेटा में मिलता हुआ जरूर दिखेगा पहले आपको नहीं मिलता था एंड अगर आप इस गाड़ी की सनरूफ खोल देंगे सो आपको जो ये वाला फीचर है कि अंदर की हवा अंदर ही रहनी चाहिए वो वाला बंद हो जाता है. इट इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट एंड जैसे आप सनरूफ ये बंद कर देंगे सो आपका ये वाला बटन अगेन ऑन हो जाएगा. आपको इस तरफ भी एक सनग्लास होल्डर अब दे दिया गया है एंड यू कैन सी सम वाइट लाइट ओवर हियर टू व्हिच आई रियली लव. इफ टॉक अबाउट दिस आर्मरेस्ट तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल वाला आर्मरेस्ट तो नहीं मिलेगा बट यू कैन स्टोर क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू. जिस गाड़ी की मैं सनरूफ खोल देता हूँ द कार इट्स अ वेरी वेल एंड एक बहुत प्यारी एंड एसी फील आती है. नाउ जस्ट इमेजिन यू आर क्रूजिंग ऑन द हाईवे एंड यू नो मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ माउंटेन टेरेन एंड ये वाला गाना चल रहा है एंड जो सनरूफ इज ओपन सो आपको एक बहुत अच्छी सी फील तो आ ही जाती है. इफ आई टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स सो यहाँ पे सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिलती है बट इट इज़ अ कूल वन विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट. इफ आई टॉक अबाउट द ए पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द बी पिलर सो वो छोटे हैं साइज में सो आपको ट्रैफिक से निकालने में इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए एंड ये पिलर आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनने चाहिए.
If I talk overall about the car and you know the driver's first experience, so I can literally see the hood of this car. And since this car का आपको इंजन के अंदर 1.5 turbo वाला ऑप्शन दे दिया गया है, so power भी आपको थोड़ी सी और मिलेगी and engine will also become more peppy. So जरा चलिए चलते हैं उस गाड़ी के इंजन की ओर एंड देखते हैं कि वहाँ पे Hyundai ने क्या tweaks करे हैं. नहीं क्या SX के अंदर आपको 1.5 liter की naturally aspirated motor मिल जाती है, which comes up with the power of 113 bhp and a torque of 143 newton-meters at the same time. And Hyundai आपको इस क्रेटा के साथ तीन इंजन ऑप्शन एंड चार ड्राइव ट्रेन की भी मोड दे देती है, विच इज अ वेरी वेरी कूल पार्ट. सो यू हैव क्वाइट अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी विद योर इंजन एंड द ड्राइव ट्रेन एट द सेम टाइम. अगर इस गाड़ी की मैं फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ, सो आपको इसके अंदर 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड कंपनी इस गाड़ी से 13-14 की माइलेज भी क्लेम कर लेती है. बट दिस इज द DCT वेरियंट, सबको इतनी ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगी. बट सिंस यू आर स्पेंडिंग 23 लाख रुपीज एंड टू बी ऑनेस्ट 17 लाख रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर वेरियंट ऑन रोड न्यू दिल्ली, सबको माइलेज कितना नहीं होनी चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट द इंसुलेशन ओवर हियर, सबको यहाँ पे थोड़ी बहुत इंसुलेशन देखने को भी मिल जाएगी एंड जिसका इंजन इट इज ऑन द वेरी वेरी रिफाइंड साइड, सबको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इंसुलेशन की तरफ से. इफ यू टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस कार, सो दिस कार डज कम विद 6 एयरबैग सेटअप एंड जिसका लो है बहुत अच्छा खासा है. इसका अभी तक कोई ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं हुआ है, सो वी कांट क्लेम मच, बट आई थिंक एक डिसेंट सी रेटिंग तो ले ही आएगा. इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट व्हेदर आई वुड बाय इट, कंसीडर्ड और रिजेक्टेड, टू बी ऑनेस्ट इसने एक बहुत ही अच्छा गेम चेंज दिखाया है इंडियन कार मार्केट में उतर के. एंड जो Hyundai Creta का डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप कर दिया गया है एंड आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस कार इन माय ओपिनियन से. एंड ये वाला वेरिएंट जो है ये मुझे बहुत अच्छा एंड कहेंगे एक वैल्यू फॉर मनी भी लगता हुआ ज़रूर दिख रहा है, बिकॉज आपको इस गाड़ी में सनरूफ मिल जाती है एंड सारे के सारे जो आपके फैंसी फीचर्स हैं वो भी आपको कहीं नहीं मिलते हुए ज़रूर दिख जाएंगे. सो अगर आपको Hyundai की ये वाली Creta या फिर आपको ये वाली वेरिएंट या फिर आपको वो पीछे खड़ी हुई i20 लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट फायर Hyundai मायापुरी. आपकी सारी की सारी कोई ऐसी चुटकियों में ही दूर कर देंगे एंड की सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा. मैं फिर से और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके, टिल देन पीस.